नमस्कार, द एचडी न्यूज में आपका स्वागत है। आज हेमंत सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार के साथ साथ विभागों का भी बंटवारा हो गया। सत्यानंद भोक्ता को श्रम विभाग मिला है और इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ सत्यानंद भोक्ता जी हैं। भोक्ता जी, बहुत इंतजार करना पड़ा लेकिन विभागों का बंटवारा हो गया, श्रम विभाग मिला है, खुश है ना? खुश है। क्या कुछ योजना है? बहुत मन में ख्याल रहता है कि मंत्री बनेंगे तो बहुत कुछ काम करेंगे, श्रम विभाग में बहुत कुछ करना है, क्योंकि झारखंड के कई ऐसे मजदूर हैं जो बाहर ले जाया जाता है, उनको बेचा जाता है, ऐसी भी समस्याएं आती है। देखिए, अभी तो विभाग में समीक्षा करेंगे और उसके बाद जितने मजदूर हैं काम करते हैं उस पर मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मजदूरी उचित मिले और स्थानीय काम मिले। अच्छा, किसी और दूसरे विभाग की चाह थी क्या? ऐसा था कि कोई और विभाग मिलता तो बेहतर? कुछ नहीं, जो मिला है उसमें काम करना है। काम करना, मेरा कोई डिमांड नहीं था। काम कब से शुरू हो जाएगा? अब लग रहा है कि आज से, अब एक दो दिन में शुरू हो जाएगा। शुरू हो जाएगा। तो क्या लग रहा है कि ऐसी ज़रूरत है कि जो खास करके मानव तस्करी की शिकार जो लड़कियाँ होती है उनको यहाँ से दलाल बाहर ले जाकर बेच देते हैं? सब सब इस पर रोक लगाएंगे। हाँ ना, बाहर यहाँ के जो मजदूर है पलायन को रोकना है और यहीं रोजगार देने का काम करेंगे। बिल्कुल, ये थे सत्यानंद भोक्ता जो बता रहे थे कि विभाग, जो श्रम विभाग मिला है इन्हें, उसके बाद वो क्या कुछ काम करेंगे, विभाग की समीक्षा करेंगे और समीक्षा के बाद कहा जा सकता है कि विभाग के विकास की रफ्तार जो है वो जरूर बढ़ेगी। अपने सहयोगी गौरी के साथ सनी सारद, द एचडी न्यूज़, रांची।